हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 19 में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही अच्छा लेवल का था और बहुत ही आसान भी था। लिटरली अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिर्फ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें ताकि मैं इसे एक बार तो मैं आपको बेसिक जो लोग कॉमन हर कोई जो दिमाग लगाता है वो आपको बता दूंगा कि हर कोई ऐसा ही बनाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका भी है, उसको कैसे बनाना है ये जरूर आप देखें। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए फेमस टी मर्चेंट स्टार्टेड मिक्सिंग टू वेराइटीज ऑफ टी टू अर्न मोर प्रॉफिट। दो तरह का टी को, वो चाय को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, यानी कि पहला वेराइटी और सेकेंड वेराइटी। ठीक है, बोला क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ द टी इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वेराइटी। सेकेंड वेराइटी के कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी कि सीपी जो है पहले वेराइटी का एक्स रुपया अगर हम लेते हैं तो दूसरे वेराइटी का हमें सीपी कितना लेना होगा, एक्स लेगा। क्लियर है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो सीपी, और यहाँ पे भी अगर सीपी है तो यहाँ पे भी हमारा क्या देगा, सीपी देगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ हमारा रेशियो निकलता है, ये क्या चीज़ का रेशियो निकलता है, हमारा क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। किसका रेशियो निकलता है, हमारा क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले का मुझे कॉस्ट प्राइस मालूम एक्स, दूसरे का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया, टू एक्स। इफ़ द टी मर्चेंट सेल्स द मिक्सर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर वेराइटी, अगर टी मर्चेंट जो है मिक्स करने के बाद उसको बेचता है कितना रुपया पे, कॉस्टलियर वाले के सीपी पे, कॉस्टलियर वाले का हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और मिक्सचर का जो हमारा एसपी हो जाएगा, किसका एसपी हो जाएगा, मिक्सचर का जो एसपी हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%, और इस तरीके से प्रॉफिट कितना कमाता है, 35% का प्रॉफिट कमाता है। तो 35% का जब प्रॉफिट कमाता है तो मुझे यहाँ पे भी सीपी मालूम है, यहाँ पे भी सीपी मालूम है, मुझे यहाँ का सीपी जानना है। यहाँ का सीपी का मतलब क्या हो गया, यहाँ का सीपी मतलब क्या हो गया, मिक्सचर का सीपी। किसका सीपी, मिक्सचर का सीपी। मिक्सचर का एसपी मालूम, मिक्सचर का परसेंटेज प्रॉफिट मालूम हमारा 35% है। तो यहाँ से हम सीपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सीपी, सीपी में 135 अपॉन में 100 करेंगे इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि मिक्सचर का एसपी हमारा क्या है, 2x। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे सीपी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 200x अपॉन में कितना, 135। जब 5 से इसे काटेंगे तो 5 से हमारा ये देगा 27, और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 से ये हमारा देगा 40, यानी कि सीपी हमारा कितना निकल गया, 40x बटा में 27। यहाँ पे लिख दिया मैंने 40x और बटा में 27। और लिटरली जैसे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं एज यूजल, हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 40x बटा में 27 माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 40x और बटा में 27। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 27 यहाँ पे क्या लिखे, 40x और माइनस 27x और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 27। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 टू जा हमारा कितना हो जाएगा, 54x और माइनस में 40x और बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 27। और यही हमारा रेशियो देगा। यहाँ से 27 तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो 40 में से 27x गया तो यानी कि हमारा 13x हो जाएगा, और 54 में से 40x गया हमारा तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और xx यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि फर्स्ट का क्वांटिटी हमसे पूछ ही रहा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेशियो इन विच द वेराइटीज ऑफ टीज आर मिक्सड, किस रेशियो में टी को मिक्स करेंगे। तो टी को मिक्स करेंगे, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा किसका रेशियो निकालना है, तो ऑब्वियस हम हमेशा फर्स्ट रेशियो सेकंड निकालते हैं। किसका रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड। तो हमारा फर्स्ट और रेशियो सेकंड का कितना रेशियो आ गया, 13:14। कितना आ गया, 13:14 हो गया। और इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो यही है हमारा, 13:14। थोड़ा सा यहाँ पे इस पार्ट में हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गए, थोड़ा सा ही कैलकुलेटिव है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसको थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है। कैसे आसान बनाया जा सकता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, कि सेकेंड वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसका डबल है क्या फर्स्ट वाला। अगर सेकेंड वाला एक्स होगा हमारा, ये 2x हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिखाया था, सीपी का 135/100 करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या लिखना है, मुझे एसपी लिखना है। ये एसपी किसका है हमारा, ये हम लोग मिक्सचर का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम एसपी को यहाँ एसपी, और ये एसपी जो है हमारा कॉस्टलियर वाले के प्राइस के अकॉर्डिंग है, ये एसपी हमारा क्या है, कॉस्टलियर वाले के प्राइस के अकॉर्डिंग है। तो कॉस्टलियर वाला का प्राइस हम कुछ ऐसा मानेंगे कि वो 135 से कट जाए। अगर 135 हम कॉस्टलियर वाले को मानते हैं, अगर इसको हम 135 मानते हैं तो ये हमारा पॉइंट मान जाएगा, हमको पॉइंट में भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि अगर इसको हम 135 ना मान के हम 270 मानते हैं, तो जब इसको 270 मानेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये 270 हो गया, तो इस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा
यहाँ पे एस पी हमारा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, एस पी हमारा कितना हो जाएगा 270। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा सी पी इंटू 135 अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 270। 135 से कट गया दो बार में, यानी कि सी पी कितना निकल गया हमारा 200। सी पी कितना निकल गया हमारा 200। ये सी पी किसका निकला है हमारा, मिक्सचर का निकला है। किसका सी पी निकला है हमारा, मिक्सचर का निकला है। तो मुझे मालूम है पहले वाले का प्राइस हमारा कितना था 270 था, और दूसरे वाले का प्राइस हमारा कितना था 135 था। दिख रहा होगा 135 का गुना दो कर रहे हैं तो डबल कर रहे हैं तो हमारा 270 आ रहा है। ठीक है, 270 हमारा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पहले वाले का सीपी मालूम हो गया 270, दूसरे वाले का सीपी 135, मिक्सचर का सीपी भी मुझे मालूम हो गया कितना 200। सिंपली हम यहाँ पे अब एलिगेशन लगा देंगे, 200 में से जब 135 को घटाएंगे तो 200 में से जब हम 135 को घटाएंगे तो वो मुझे कितना देगा 65 देगा, और जब 270 में से हम 200 को घटाएंगे तो वो मुझे कितना देगा 70 देगा। और यहाँ से मैं 5 से जब इसे काट दूंगा 13 बार में, और यहाँ से जब काट दूंगा ये 14 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13:14। और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 13:14, और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। होप आप लोग को ये क्लियर होगा।